नंदा क्राउन पैलेस शादी समारोह व पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट जायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस मकरोनिया रोड सागर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगातार एटीएम में कुछ ऐसे शातिर बदमाश पैसा गायब कर रहे थे जिसका घाटा कस्टमर को नहीं बल्कि बैंकों को हो रहा था। यूपी के प्रतापगढ़ और कानपुर के बदमाश मध्य प्रदेश में एटीएम से पैसे बड़ी टेक्निकल तरीके से हड़प रहे थे और एमपी के बैंक समझ नहीं पा रहे थे कि पैसे कौन निकाल रहा है। इसकी सफलता मध्य प्रदेश की सागर पुलिस को मिली है जब पुलिस ने एटीएम की इस टेक्निक के माध्यम से पैसा गायब करने वाले 5-7 बदमाशों को फिल्मी अंदाज में सागर से पीछा करके यूपी के ललितपुर तक पकड़ा है। इस घटना का सागर पुलिस ने अहम खुलासा प्रेस वार्ता में किया है। असल में 7 मार्च 2020 को इंडियन ओवरसीज बैंक की मैनेजर कल्पना तिवारी ने मकरोनिया थाने में एक शिकायत की थी कि 21 फरवरी और 23 फरवरी को छुट्टी के बाद 24 फरवरी को यह पता चला उनके बैंक के बाजू से बने बैंक के एटीएम में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, एटीएम के साथ छेड़खानी की है। पता चला कि किसी ने एटीएम का सेंसर बंद कर एटीएम से 20,000 रुपए की नकदी हड़प ली है। नुकसान है उसको कैसे पूरा करते हैं? बैंक ये करता है, अब तो ये पकड़े गए तो हम इनसे लीगली उसको रिकवर करेंगे। कितना पैसे लगभग कितना निकाल हमारी एटीएम से? मात्र 20,000 रुपए। क्या नाम है मैम आपको? और डेजिग्नेशन? चोरों के इस हुनर को पकड़ने के लिए सागर पुलिस ने एक टीम तैयार की और आज पुलिस ने टीम में से एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा किया और सागर के ललितपुर तक पीछा करने के बाद 5 आरोपियों को पकड़ा है जिसमें सभी इंजीनियर की विधा से दूर है लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया कि आप चौंक जाएंगे। असल में सुबह एक खबर आई कि सेंट्रल बैंक सिविल लाइन एटीएम के पास पुलिस को सूचना मिली कि कुछ एटीएम के पास संदिग्ध खड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची जहां 2 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा जिसमें सुपरवाइजर फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम के सहयोग से कानपुर के रहने वाले मोहित शर्मा और बजरंग सिंह को पुलिस ने पकड़ा। जब उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बताया गया कि कुछ लोग ब्रीजा कार से मालथोन के रास्ते यूपी की तरफ भाग रहे हैं। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में अजय राठौर ज्ञानेंद्र पांडे के साथ अमित यादव को ललितपुर से हिरासत में लिया है। यह आरोपी एटीएम में अपना कार्ड लगाकर पहले 500 रुपए निकालते थे। कुल अभी 28 की लिस्ट आई है और इसको अभी हम बैंक एक ही है अलग अलग नहीं अलग अलग बैंक है तो इसको अभी हम पूरा सॉल्टिंग कर रहे हैं और सबके हमारे पास फुटेज भी आ रहे हैं क्योंकि फुटेज आ जाएंगे और उसी दौरान कौन से एटीएम को उसमें एंट्री की गई वो भी आ जाएगा तो उससे मुझे लगता है कि हम सारी जो बिखरी हुई कड़ियां हैं उसको हम जोड़ लेंगे। पैसे निकालने के बाद एटीएम का सेंसर पेचकस से बंद कर एटीएम से 20,000 से 40,000 रुपए निकाल लेते थे और उनके खाते में से यह पैसा नहीं कटता था बल्कि घाटा बैंकों को होता था। सभी आरोपी यूपी के प्रतापगढ़ और कानपुर से हैं जो एटीएम की चतुराई से सागर में 28 बार एटीएम की मशीनों को दगा दे चुके हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं। बहरहाल कम उम्र में अमीर बनने का ख्वाबों के चलते आज यह 5 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सागर। नंदा क्राउन पैलेस शादी समारोह व पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट जायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस मकरोनिया रोड सागर मध्य प्रदेश। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475999376776।